ओके okay, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पीपीएससी के थ्रू जॉब्स अनाउंस हुई हैं उनके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, इसका अप्लाई करने का तरीका एक ही है, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, फॉर्म फिल करने की, चलान फॉर्म जनरेट करने की सारी चीज़ें आपने उस पर कैसे अपलोड करनी है, पिक्चर वगैरह और चलान फॉर्म, वो वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी है। ठीक है, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जा क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ से फॉर्म ओपन जो है आप फिल करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन को एडिट करना चाहिए यहाँ से करेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन यहाँ से होगी। ठीक है, या अपकमिंग जॉब यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी जो अभी उन्होंने अनाउंस करनी होगी। ठीक है, कॉल लेटर प्रिंट करना है वो यहाँ से होगा, एडमिशन लेटर यानी कि जो भी आपकी रोल नंबर स्लिप होगी और डिटेल मार्कशीट वहाँ यहाँ से होगी। ठीक है, अब जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है वो 5 और 6 हुई है। ठीक है, तो 6 वाला देख लेते हैं, ऐड जो उनका 2020 में अनाउंस हुआ है 2020 में, तो इसको आपने क्लिक करना है तो आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी, आपने स्टार्ट डाउनलोड कर लेना अगर आप आईडीएम आपके पास आईडीएम है, अदरवाइज वो ब्राउज़र क्रोम में ही डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जॉब अनाउंस हुई है जैसे कि सीनियर रजिस्ट्रार है। ठीक है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये है। ठीक है, उसके बाद एज और अदर जेंडर वगैरह क्या होना चाहिए, इसी तरह सीनियर रजिस्ट्रार है उसके लिए क्वालिफिकेशन और वो फीमेल सिर्फ रिक्वायर्ड है उनको। ठीक है, इसी तरह और है मार्केटिंग विंग में। ठीक है, असिस्टेंट चाहिए उनको और यहाँ पे भी उनको चाहिए। ठीक है, फ्रेश विंग, ठीक है रिसर्च विंग, सॉरी फ्रेश विंग कह रहा हूँ, रिसर्च विंग। ठीक है, इस तरह डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे अनाउंस हुई हैं। उसके अलावा लेक्चरर की यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी कुछ जॉब अनाउंस हुई हैं इसी एड के अंदर। ठीक है, इसी इदारे में, तो उसके लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन क्या रखी है, लेक्चरर सिविल। ठीक है, बैचलर डिग्री उसकी होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, उसकी एज वगैरह क्या है और क्वालिफिकेशन और जेंडर और सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट उन्होंने आगे बता दिया हुआ। ठीक है, इसी तरह जूनियर इंस्ट्रक्टर है। ठीक है, उसके लिए क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री फॉर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी से जो रिकग्नाइज हो HEC से। ठीक है, इस तरह बाकी उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं। और आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, इसकी 600 रुपये फीस है जो आपने बैंक में पे करनी होती है थ्रू चलान फॉर्म, और उसके बाद आपने इनको इसको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ठीक है, इसका कोई फॉर्म आपने प्रिंट करके इसको नहीं भेजना होता, कोई TCS नहीं करना होता, जस्ट आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी हुई है, इसी YouTube चैनल पे है। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं। एक मतलब वो कोई और पोस्ट है जॉब की, ठीक है, इसी PPSC से, लेकिन फॉर्म फिल करके मैंने इसमें बताया हुआ आपने कैसे फॉर्म फिल करना है। जितनी मर्जी पोस्ट आ जाए PPSC में, फॉर्म फिल करने का तरीका एक ही होता है, तो आपने उसी को देख के उसी को फॉलो करते हुए अपना फॉर्म फिल कर लेना है।